फिल्में समाज का आईना होती है, इसी आईने को यथार्थ सिद्ध करने आज हमारे साथ है मुर्दाही के कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। मुर्दाही, इसका नाम कैसे आया? हम लोग बस ऐसे बैठे थे, बस तो काफ़ी भी कर चुके हैं, बस बैठे थे प्लान बना के लिए। हम लोग अपना करना चाहिए, नाम करना चाहिए, जो एक्टर है उनको बना के बस साइड करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से मूवी आती है तो देखते हैं कि अपने यहाँ के लोगों को बस साइड आके उनके तौर पर खड़ा करने जाते हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म नहीं पाता है। तो बस आनंद जी ने, हम लोग ऐसे बैठे थे, आनंद जी ने बोला कि अच्छा कॉन्टेंट है, काम कर सकते हैं, उन्होंने हमको स्क्रिप्ट सुनाया। तो मुर्दाही में हमारे दर्शकों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? थ्रिल है और थोड़ा कॉमेडी भी है, थोड़ा फाइट पसंद वगैरह भी है, थोड़ा रोमांस भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, क्या जीवन में छोटे से बड़े तक कैसे करना, क्या करना चाहिए। मुर्दाही के ट्रेलर को दर्शकों द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया है, 4 दिन के अंदर 26,000 से ज्यादा बार ट्रेलर देखा जा चुका है। तो आपको क्या लगता है इस वेब सीरीज की सफलता किस मुकाम तक पहुंचेगी? ये तो बहुत अच्छी सफलता है, क्योंकि इतने लोगों ने देखा, मुझे लगता है कि जब कानपुरा है तो कम से कम यही कम से कम 50,000 हो जाएगा, जब हम कानपुरा है, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरे डायरेक्टर मेरी टीम ज़्यादा करके सब कानपुर की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स है। इस वेब सीरीज के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को संदेश के तो ये चीज़ उन्हें राइट करना भी बता सकते हैं, क्योंकि राइट टाइम स्क्रीन प्ले। इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या इसकी स्टोरी है? कॉन्सेप्ट सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर है, और वो थ्रिलर समाज से रिलेटेड है, समाज में जो दर्दनाक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। आप तो मीडिया से डेली ऐसी खबर कवर करते हुए, वहाँ डकैती हुई, वहाँ लूटपाट हुई, किसी ने किसी का गला रहता, इस तरह के जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोग जो इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और वो कितने समाज के लिए घातक हो जाते हैं, और इस घातक होने की वजह से वो खुद का अपना जीवन कितना दर्दनाक कर देते हैं, और मौत भी बड़ी दर्दनाक होती है। तो कॉन्सेप्ट बात यह है, युवाओं के लिए एक मैसेज है, जीवन जीने के लिए गलत रास्ता ही ढूंढ लेना। तो युवाओं को आप वेब सीरीज के माध्यम से क्या संदेश? वेब सीरीज के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में भैया या गंगा मोवाली के नाम से जाना जाता है, तो इस शब्द को बदनाम होने से बचाएं, और इसी फिल्म के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो युवा वर्ग हैं किस तरह से रास्ते पर चले जाते हैं, उसका सेकंड पार्ट बनेगा तो इन्हीं क्लियर होगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, किस लिए किया, पर बाकी की चीज़ें सेकंड पार्ट में बताई जाएगी। लेकिन गलत रास्ता है, जरा सी प्रॉब्लम जरा सी परेशानी में आने के बाद गलत रास्ता चुनना ही जरूरी है। कहते हैं जुर्म की दुनिया कितनी ही रंगीन क्यों ना हो, खत्म हमेशा काली रातों से होती है, यही बात को वेब सीरीज में भी दिखाया गया है, और इस बात पुष्टि आप तभी कर सकते हैं जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए वेब सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें।